आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग हमारे 13 दिसंबर की श्रवणदान की, जहाँ पर प्रेम या प्यार या स्नेह को एक ऐसी शक्ति बताया जा रहा है कि वो आपको किसी भी हद तक लेके जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है, ये अंधे प्रेम की बात नहीं हो रही है। अंधापन तब होता है जब हम बिना सोचे समझे हम कोई भी गलत कर्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं किसी के लिए, वो फिर अंधापन हो जाता है। प्रेम हमेशा सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का ही एक स्वरूप है। कहने करते हैं कि परमात्मा की शक्ति है अनंत प्योर प्रेम। सो हम मिक्सर वाला प्रेम नहीं कह सकते कि मैंने उसके लिए कर दिया बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता था या प्यार करती थी, लेकिन मैं फंस गया इस कर्म में, ये प्रेम नहीं हुआ। क्योंकि कोई अगर आपसे प्रेम करता है तो वो आपको ऐसे गलत कर्मों में फंसाएगा नहीं। तो आज परमात्मा प्रेम की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम अगर प्रेम में हैं परमात्मा से, तो हमें कोई भी कर्म करना पड़ेगा इस दुनिया में, और उस प्रेम के द्वारा हम अगर कर्म करें, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई कि वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो पवित्र कर्म है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई थकावट नहीं होगी, हमें कोई चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तो देखें परमात्मा कहते हैं इस प्यार या स्नेह के बारे में। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। कौन सी? स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले। आपने अपने लाइफ में एग्जांपल्स देखे होंगे जहां पर अनकंडीशनल लव होता है। आप किसी के प्रति अगर आपको अनकंडीशनल लव है, दैट मीन्स आप कुछ रिटर्न में नहीं चाहते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मुझे क्या किया, मैंने इसको इतना देखभाल किया, इसके लिए इसने मेरे से पूछा भी नहीं, मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी लेकिन इसलिए नेक्स्ट टाइम मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी, मैंने इसके लिए सीट रिजर्व करी इसलिए मैं मेरे लिए नेक्स्ट टाइम सीट रिजर्व नहीं करी। छोटी छोटी बातें। जहाँ पे प्यार है, पवित्र प्यार है, वहाँ पे ये चीज़ें आती नहीं हैं, क्योंकि प्यार जो होता है वो फ्लो करता है, वो कभी बंधा हुआ नहीं होता है। वो कहीं जैसे बोलते ना कि आपके नलका लगा हुआ है, उसमें आपने बंद कर दिया नलका कि भैया यहाँ से अलाउड नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होता है। प्यार जो होता है वो फ्लो करता रहता है, क्योंकि वो मिलता कहाँ से है? वो अनंत शक्ति से मिलता है प्यार। लेकिन जो हमारा लिमिटेड प्यार होता है वो अनंत शक्ति से नहीं मिलता है, वो कंडीशंस अप्लाई वाला प्यार होता है। वो थोड़ी देर फ्लो करेगा, उसके बाद में फिर वो क्या करेगा, वेट करेगा कि अच्छा उस साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा वापस। लेकिन परमात्मा का जो प्यार होता है वो अनंत होता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है, कहीं पर आपने देखा हो हमारी नेचर में या प्रकृति में या इंसानों के बीच में, अगर आपने देखा हो कि जो माताएं होती हैं वो रात रात जग करके भी मेहनत करती हैं, बच्चे के लिए करती हैं, पति के लिए करती हैं, और अगर उनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होती हैं कि ये कुछ करेगा मेरे लिए वापस, तो वो प्योर नहीं हुई। लेकिन मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, बस ये समाज में जाकर के कुछ अच्छा कार्य करे, ये समाज में जाकर के अपना नाम रोशन करे और परमात्मा का नाम रोशन करे। मेरा नाम रोशन करे नहीं, मेरे घर का नाम, मेरे कुल का नाम रोशन करे नहीं, ये परमात्मा का नाम रोशन करे। तो वो बहुत ही ऊंची सोच है। तब वो जो आप कर्म कर रहे हो तो वो बहुत प्यार वाला और बहुत शक्तिशाली कर्म होता है। लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा करे, मेरा नाम रोशन करे, मेरे घर का नाम रोशन करे, तो वहां पर थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है, कंडीशंस अप्लाई आती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहा है कि वो मेहनत वाला काम हो जाता है, वो आपको मेहनत लगता है, फिर आप क्या करते हो कि बाद में आप बताते हो कि मैंने इतनी मेहनत करी। परमात्मा कहते हैं कि जहां पर आपने परमात्मा के प्यार से कर्म किया होता है वहां पर आपको जताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि करवाया किसने? परमात्मा ने। प्यार किसका था? परमात्मा का। शक्ति किसकी थी? परमात्मा की थी। तो परमात्मा कहते हैं कि मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। अगर आप बंधन में फंसे हुए हैं कि करना ही पड़ रहा है, क्या करें, बोला है तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, शादी हुई इस घर में तो करना ही पड़ेगा, या तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि नहीं जॉब है, नौकरी है, क्या करना है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि अगर आप कुछ प्यार से कर रहे होते हो, कि आप ये सोचे करो कि परमात्मा आपसे करवा रहे हैं, प्रोवाइडेड कंडीशंस आपको याद होंगी कि कोई बुरा कर्म नहीं हो जिससे कि किसी का नुकसान या हानि ना हो, तो वो कर्म करने से अगर आपके अंदर गुण, आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर टैलेंट बढ़ता है, तो आप तो कहेंगे परमात्मा धन्यवाद, आपने मुझे पुश किया
कि मैं आलस्य में था या आलस्य में थी कि आपने मुझे एक नया कला सिखाने के लिए मुझे पुश किया। हाँ, किसी के द्वारा आपने करवाया, किसी अहंकार में आए हुए व्यक्ति ने मुझे करने के लिए कहा, गुस्से से किसी से भी करने के लिए कहा, लेकिन वो गुस्सा गुस्सा नहीं समझ आएगा आपको, आपको समझ आएगा कर्तव्य, आपको समझ आएगा वो कर्म, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसको करोगे नम्र होकर के, क्योंकि आप जानते हो कि इसके पीछे हाथ किसका है, परमात्मा का। लेकिन कहीं पर वो अगर बुरा कर्म करने के लिए कह रहे होते हैं आपको, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, वो परमात्मा का हाथ नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ तब आती है जब हम ब्रह्म कुमारी में आकर के अपने मन के जो पर्दे हैं ना, या मन की जो प्रोग्रामिंग है उसमें वायरसेस को हटा देते हैं, तब हम समझ पाते हैं और क्लीन और क्लियर देख पाते हैं कि ये सच्ची में प्योर कर्म है कि इम्प्योर कर्म है, अगर मैं करूँ तो। फिर शक्ति आती है ना बोलने की, तो ये नहीं कि कोई भी आपसे कुछ प्रेम से कुछ भी करवा ले, ये बात तो नहीं, सही नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं फिर आगे कि यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। पानी हल्का होता है, पानी कहीं भी मोल्ड हो जाता है, तो लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा नहीं है और परमात्मा के प्यार के द्वारा आप ये कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर्म हो, चाहे ऑफिस का कर्म हो, घर का काम हो, चाहे ये सेवा भी हो जो मैं कर रहा हूँ, अगर परमात्मा के प्यार के द्वारा नहीं हो रही अगर ये सेवा, तो जबरदस्ती लगेगी, करना ही पड़ रहा है, क्या करें। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को ये समझ आए कि परमात्मा ये करवाना चाहते हैं, कुछ मेरे अंदर नवीनता लाना चाहते हैं, मेरे अंदर छुपे हुए गुणों को, शक्तियों को बाहर लेके आना चाहते हैं, तो फिर मुझे चाहे कोई भी जबरदस्ती भी कराए कर्म करने के लिए जिसमें सबका भला हो, मैं करूंगा। क्या आप करेंगे? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। इसके साथ ओम शांति।